नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूँ रवि नेहरा और आप देख रहे हैं वाच एंड ग्रो का थर्ड एपिसोड। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कहा था, हम इस वीडियो में हाइड्रोलिक पंप्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हाइड्रोलिक पंप की अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोलिक पंप्स हमारे मैकेनिकल एनर्जी को फ्लूइड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और यह ऐसा करने के लिए लार्ज वॉल्यूम में इनलेट लेते हैं और डिक्रीज वॉल्यूम में डिलीवर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा वैक्यूम प्रेशर जो कि -0.016 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस सिलेंडर के द्वारा बनाया जा रहा है और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल 1.033 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब भी हम इस पिस्टन को हैंड की सहायता से पीछे मूव करवाते हैं तो यह कुछ वैक्यूम क्रिएट करता है जिससे कि हमारा टैंक से ऑयल का सक्शन होता है और हमारे डिलीवरी टैंक में एक NRV होने की वजह से यह इसे बंद कर देता है और जब हम डिलीवरी करते हैं उस समय यहाँ सक्शन टैंक में एक NRV होने से, जिसे हम नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं, यह ऑयल का वॉल्यूम नीचे जाने की बजाय डिलीवरी टैंक में चला जाता है। ऐसे हमारा कोई भी ऑयल पंप या पिस्टन पंप वर्क करता है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हम पंप का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी पंप के सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर फ्लो रेटिंग, प्रेशर रेटिंग, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, नॉइस लेवल और कंटामिनेशन लेवल मेंशन किए होते हैं। तो हमें कोई भी पंप सिलेक्शन करते समय यह चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। जब भी हम दोस्तों फ्लो रेटिंग की बात करें तो यह सेंटीमीटर क्यूब पर रेवोल्यूशन में होती है और हमें पंप का फ्लो निकालने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यह एक रेवोल्यूशन में हमारे पंप द्वारा दिया गया वॉल्यूम बताता है। जब भी हमें LPM में निकालना हो तो हम सेंटीमीटर क्यूब पर रेवोल्यूशन, जो हमारी फ्लो रेटिंग है, उसे मोटर के या कोई भी प्राइम मूवर के RPM से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि एग्जांपल में दिया गया है, हमारे फ्लो रेटिंग 20 सेंटीमीटर क्यूब पर रेवोल्यूशन है और हमारे पंप मूवर के RPM 1000 है, तो इसे मल्टीप्लाई करने पर हमारा 20,000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आया है और जो कि 20 लीटर पर मिनट होता है। अब दोस्तों अगला, जब मैं प्रेशर रेटिंग की बात करूं तो यह हमारे पंप की कैपेसिटी है, यह पंप कितना प्रेशर बना सकता है। और अगर दोस्तों मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करूं तो यह हमारा एक्चुअल फ्लो डिवाइडेड बाय थोर्टिकल फ्लो इंटू में 100। एक्चुअल फ्लो जो पंप हमारा क्रिएट कर रहा है, थोर्टिकल फ्लो जो हमारा डॉक्यूमेंट्स पर है, और मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद दोस्तों नॉइस लेवल भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। नॉइस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो यह डेसिबल्स में होता है, जो कि DB बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं कंटेमिनेशन लेवल की बात करूँ, इस कंटेमिनेशन लेवल का अर्थ है कि किस कंटेमिनेशन तक पंप अपना वर्किंग अच्छे से करेगा। तो दोस्तों यह नास क्लास भी बोलते हैं इसे, नास। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स और नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें रोटरी पंप्स और रेसिप्रोकेटर पंप्स दो टाइप की श्रेणी है। रोटरी पंप्स में हमारे गियर पंप आते हैं, उसके अलावा वेन पंप आते हैं। गियर पंप की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक्सटर्नल गियर्स आपस में मैश होते हैं, इसमें से एक ड्राइव गियर होता है, एक ड्रिवन गियर होता है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं वेन पंप की बात करूं तो इसमें एक रोटर होता है जिसमें काफ़ी सारी वेन्स होती हैं और यह एक कार्ट्रेज में होता है। अब वेन्स के द्वारा यह फ्लूड को सक्शन कर डिलीवरी देता है। उसके बाद दोस्तों रेसिप्रोकेटर की श्रेणी में एक्सियल पिस्टन पंप और रेडियल पिस्टन पंप आते हैं। इसे एक्सियल पिस्टन पंप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने एक्सिस के इर्द गिर्द ही घूमता है, और साथ ही रेसिप्रोकेटर पंप इसलिए कहा जाता है कि इसमें छोटे छोटे पिस्टन्स होते हैं जो कि रेसिप्रोकेटिंग मोशंस में मूव करते हैं। इसके अलावा दोस्तों रेडियल पिस्टन पंप की अगर मैं बात करूँ तो यह रेडियल मोशन में घूमता है। इसमें छोटा कैम लगा होता है, इसके सेंटर में शाफ्ट कैम द्वारा अलग अलग पिस्टन से जुड़ी होती है। अलग, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 5 पिस्टन्स है, यह इन्हीं 5 पिस्टन्स के द्वारा सक्शन और डिलीवरी करता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की। अगर मैं नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की बात करूं तो इसकी श्रेणी में सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आते हैं। इन दोनों में मेजर डिफरेंस यह है कि हमारे नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स कंटामिनेशन लेवल हाई होने पर भी अच्छी तरह से कार्य करते हैं।
दोस्तों अगला मैं बात करता हूँ वेन पंप की। अगर मैं वेन पंप की बात करूँ तो वेन पंप में यह कार्ट्रिज किट टाइप होता है और इसमें फिक्स डिस्प्लेसमेंट होती है। फिक्स डिस्प्लेसमेंट मीन्स इसका फ्लो फिक्स होता है। इसको वेरी करने के लिए आपको प्राइम मूवर के आरपीएम में चेंज करना होगा। और दोस्तों इसके अंदर एक कैमरिंग होती है जो कि हमारी, जिसके अंदर रोटर होता है, एक रोटर होता है, रोटर्स के अंदर वेन्स लगी होती है। स्प्रिंग की अगर मैं बात करूँ तो कुछ रोटर्स में, कुछ वेन पंप्स में स्प्रिंग होते हैं, कुछ में नहीं होते। उसके अलावा केसिंग होती है जो कि इसे कवर करती है। स्लोट्स में वेन्स होती है और वेन्स आपस में स्लाइड करती है। दोस्तों इसका यह ग्राफिक सिंबल है, यह एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप है तो इसलिए इसका ग्राफिक सिंबल एक सिंपल है। अगर गियर पंप्स की मैं बात करूं तो यह दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल गियर पंप और इंटरनल गियर पंप। एक्सटर्नल गियर में एक्सटर्नली गियर्स आपस में मैश होते हैं जिसके द्वारा यह फ्लो देते हैं। इसमें से एक गियर ड्राइव होता है, एक गियर होता है आइडल, जिसे हम ड्रिवन गियर भी कहते हैं। और यह फ्लूड को लेकर केसिंग के द्वारा, केसिंग से होते हुए गुजार कर इसे आगे डिलीवर करता है। यह हमारे लो प्रेशर में अच्छे से कार्य करते हैं। जहां पर कंटैमिनेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो वहां पर गियर पंप्स को लगाया जाता है। जहां पर हमारी प्रेशर की रिक्वायरमेंट कम हो वहां पर हमें गियर पंप को लगाते हैं। इसका ग्राफिक सिंबल भी वेन पंप की तरह होता है क्योंकि यह फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। अगला है हमारा वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पिस्टन पंप। इसके अंदर एक रोटरी शाफ्ट होती है जिसके साथ में एक योक कनेक्ट होता है और योक के ऊपर हमारे पिस्टन माउंट होते हैं जो कि टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव कर हमारे फ्लो को ट्रांसफ़र करते हैं। अब दोस्तों इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें हम फ्लो और प्रेशर दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लो को सेट करने के लिए फ्लो एडजस्टिंग स्क्रू होता है। रनिंग में योक की डायरेक्शन को सेट करके हम फ्लो को एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों प्रेशर के एडजस्टमेंट की जब मैं बात करूं तो प्रेशर को एडजस्ट करने के लिए यहां पर प्रेशर एडजस्टिंग स्क्रू है। हमारा डिजायर्ड प्रेशर अचीव होने पर यह योक को वर्टिकल कर देता है जिससे कि हमारा फ्लो आगे जाना बंद हो जाता है और इससे हमारी पावर सेविंग भी होती है। इसका ग्राफिक सिंबल यह है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप होने के कारण इसका ग्राफिक सिंबल फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप से अलग है। अब दोस्तों इनके कंपैरिजन के बारे में जान लेते हैं। अगर मैं वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूं तो वेन पंप कैमरिंग और वेन के बेस पर काम करता है। गियर पंप एक्सटर्नल गियर की मैशिंग के बेस पर काम करता है और इससे ही यह फ्लो ट्रांसफर करता है। पिस्टन पंप पिस्टन्स को रेसिप्रोकेटिंग डायरेक्शन में मूव करवाकर फ्लो ट्रांसफर करता है। अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो वेन पंप की एफिशिएंसी हाई होती है, गियर पंप की एफिशिएंसी लो होती है क्योंकि यह फ्लो को लूज कर देता है। पिस्टन पंप की एफिशिएंसी सबसे हाई होती है, यह वेन पंप और गियर पंप दोनों से हाई होती है। अब हम वियर के साथ एफिशिएंसी पर इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो वेन पंप पर बैलेंस्ड इफेक्ट होता है, इसमें हमारी एफिशिएंसी को ज़्यादा डिक्रीज नहीं करता है। अगर मैं गियर पंप की बात करूं तो वियर आउट के साथ इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है और पिस्टन पंप में भी वियर आउट के साथ एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। अगर मैं डस्ट से सेंसिटिविटी की बात करूं तो वेन पंप लेस सेंसिटिव होते हैं, गियर पंप भी लेस सेंसिटिव होते हैं, पिस्टन पंप हमारे हाईली सेंसिटिव होते हैं। डस्ट के इफ़ेक्ट से इसका फ्लो और प्रेशर कम हो जाता है और इनकी वर्किंग कम हो जाती है। अगर हम बैरिंग्स की लाइफ की बात करें तो वेन पंप की बैलेंस्ड लाइफ होती है, गियर पंप में साइड लोड अधिक होने के कारण इसकी लाइफ कम होती है। पिस्टन पंप में लोड अधिक होता है बट इसमें दो बैरिंग्स होते हैं तो इसलिए बैरिंग्स की लाइफ बैलेंस्ड होती है। अगर मैं नॉइस लेवल की बात करूं तो वेन पंप में 60-80 dB होता है, गियर पंप में 90 dB एंड अबव होते हैं और पिस्टन पंप में 50-70 dB होते हैं। तो इसमें देखने पर पिस्टन पंप में सबसे कम नॉइस लेवल है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।